हाय वर्गो, कन्या राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं अगस्त मंथ की। देखेंगे अगस्त का महीना आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है, किस ऊर्जा में आप लोग रहने वाले हैं, डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं इस मंथ के लिए। ठीक है, हम वो सब देखने वाले हैं। ये जो रीडिंग है ये जर्नल रीडिंग है गाइस। तो इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट होइए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दे। और आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है। आपकी इंट्यूशन ही यहाँ पर आपको मैसेज देने वाली है, गाइड करने वाली है कि यहाँ पर जो भी मैसेजेस दिए जा रहे हैं वो आपके किस एरिया में कनेक्ट होने हैं। तो प्लीज़ उन्हें उन मैसेजेस को वहाँ लेने की कोशिश कीजिए और गाइडेंस को फॉलो कीजिए। और ये अगर आपसे ये रीडिंग कनेक्ट होती है, आपको इससे ज़रा से भी गाइडेंस मिलती है गाइस, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिन्होंने पहले जो पहले कर चुके हैं वो और जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं उन सभी के लिए मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ। प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब आप सब्सक्राइब करते हैं उसके साथ एक बेल आइकन आता है, उसको ज़रूर से क्लिक कीजिएगा, तभी आपको जो मेरी वीडियोज़ आ रही हैं उनका नोटिफिकेशन प्राप्त हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, जय माँ दुर्गा। जस्ट फिर गाइड प्लीज़ बताएं, जितने भी आपके बच्चे वर्गो कन्या राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, अगस्त मंथ में क्या एस्ट्रोलॉजिकली प्रभाव पड़ने वाला है वर्गो कन्या राशि वालों के लिए, प्लीज़ गाइड करें। प्लीज़ एक मैसेज दीजिए। थैंक यू वर्गो कन्या राशि। ओके, दो मैसेज आए हैं अभी भी। पहला है स्कॉर्पियो, द एनर्जी इज़ इंटेंस, मास्टरफुल, थॉटफुल एंड मैग्नेटिकली चार्मिंग, बट ऑल्सो सिक्रेटिव एंड पोजेसिव। ओके, सेकेंड है फिफ्थ हाउस, वेयर यू हैव फन, रोमांस एंड क्रिएट थिंग्स यू आर प्राउड ऑफ। ओके, तो ये दो आपके लिए मैसेजेस आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। शिरोन, एथ हाउस, ट्रांसफॉर्मेशनल एरिया ऑफ योर लाइफ। वाओ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो मंथ है ना वर्गो, आप लोगों के लिए प्यार के मामले में आप बहुत लकी रहने वाले हो। प्यार को लेकर के, रिश्तों को लेकर के अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो मैनिफेस्ट होता हुआ मुझे इस मंथ में दिखाई दे रहा है। कुछ अड़चनें, कुछ दिक्कतें अगर आ रही थी ना, तो वहाँ आपको कुदरत सपोर्ट करेगी ये मंथ में। ठीक है, स्पेसिफिकली मैं यहाँ पर रिश्ते, मुझे रिंग भी यहाँ पर बहुत फोकस में आई है, तो कुछ लोगों की इंगेजमेंट हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन अगर ऑलरेडी आप किसी रिश्ते में हो ना, तो कहने का मतलब किसी को के साथ ऑलरेडी अगर आप हो तो कमिटमेंट आपको मिल सकता है, चीज़ें फाइनलाइज हो सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं। ओके, और अगर आप लोगों के रिश्ते में जो यहाँ पर मैरिड लोग देख रहे हैं, ठीक है, या फिर जो रिश्ते में भी हैं, अगर आप लोगों के रिश्ते में कोई खटास आ गई थी, ठीक है, या फिर दूरियां पैदा हो गई थी, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो हील होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ से रिली रोनो यहाँ पर जो स्नेक है ना, हालांकि वो नेगेटिव है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ नेगेटिव चीज़ें या फिर जो ब्लॉकेज था ना आपके रिश्तों को खास करके लेकर के, रिश्ते मुझे बहुत स्पेसिफिक नज़र आ रहे हैं गाइस, वो रिमूव हो रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ मेंटली जैसे कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ पावर्स भेज रहे हो,
पावर्स किस तरीके से, किस तरीके की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ कि आप जैसे कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ पॉजिटिव एफर्मेशन डाल रहे हो, कुछ अपनी तरफ से ना चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ भी आप चाहे आप प्रार्थनाएं कर रहे हो, मे बी फुल इंटेंशंस के साथ, प्योरिटी के साथ आप प्रार्थनाएं कर रहे हो चीज़ों के, अपने रिश्ते को ठीक होने के लिए या फिर चीज़ों को ठीक होने के लिए, तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं आपके केस में, वो एनर्जीज मैं आप लोगों की यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। और आप लोग भी ना बहुत, मतलब आपको कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर मिलने वाले हैं ये मंथ में, वर्गोस कन्या राशि आपके, मतलब अदर जेंडर से भी या फिर आपके आसपास जो लोग रहते हैं, मतलब आपकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत मैग्नेटिक रहेगी, मतलब आप लोगों को अपनी तरफ बहुत खींचोगे और बहुत ही इंटेलिजेंस वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है, सीक्रेटिव एनर्जीज मुझे आप लोगों की मिल रही है, मतलब लोगों में ना उत्सुकता रहेगी। मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, पर कुछ तो है यहाँ पर, मतलब लोगों में उत्सुकता रहेगी कि वो आपको जाने, ठीक है। खासकर अगर कोई पर्सन है वो अट्रैक्ट हो सकता है आपकी तरफ, जिसको लेकर के आपका, मतलब आपका क्रश था या फिर कुछ ऐसी मुझे एनर्जीज मिल रही है कि आप ना मेंटली कुछ चीज़ों को अपनी तरफ खींच रहे हो, आई मीन आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो, ये उनके लिए मैसेज है भाई, आप ना कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिससे कि आप चीज़ों को, कहते हैं ना कि आप कुछ पाने के लिए भागो मत उनके पीछे, उन्हें अट्रैक्ट करो, तो एग्जैक्टली आपके लिए ना ये लाइन फिक्स आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है कि आप जो है आप अट्रैक्ट कर रहे हो इस वक्त में, ठीक है। आप पीछे नहीं भाग रहे हो कि मुझे ये पर्सन चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए, आप कुछ ऐसा कर रहे हो, आप इतना पावरफुल मैनिफेस्ट कर रहे हो, विजुलाइज आप कर रहे हो सकते हो, पॉजिटिव एफर्मेशंस दे रहे हो सकते हो, प्रार्थनाएं कर रहे हो सकते हो, कुछ आप ऐसा कर रहे हो, कुछ भी अपनी लाइफ में ऐसा कर रहे हो कि आप इन चीज़ों, मतलब इस इंसान को या इस चीज़ को जो है अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ, और वो आपकी तरफ खींची चला हुआ आ रहा है या आ रही है, समझ रहे हो, वो एनर्जीज मैं आप लोगों की यहाँ पर पिक कर रही हूँ। आप लोग क्रिएटिव भी बहुत होने वाले हो इस वक्त में, अपने आप के साथ, अपनी सोल के साथ आपका कनेक्शन, आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होगा इस वक्त, या आप बहुत, जिसे कहते हैं ना, ऐसी चीज़ें भी आप इस वक्त में ट्राई करने वाले हो गाइस, जो आपने पहले कभी ट्राई नहीं की है, ठीक है। जैसे कि मैं मैनिफेस्टेशन की ही बात कर रही हूँ, कुछ नए मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को आप अप्लाई कर सकते हो अपने जीवन में, चीज़ों को ठीक करने के लिए या किसी रिश्ते को ठीक करने के लिए या कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए, ठीक है। वो एनर्जीज भी मैं आप लोगों की यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ। वाह, थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू मदर, थैंक यू डिवाइन, जस्ट विल गाइड्स प्लीज़। बट जो भी है ना चीज़ें, मतलब आपके जीवन में ना हील हो रही हैं, आप में से कुछ लोग हो सकता है कुछ नई टेक्निक्स आप लोग सीख रहे हैं, हीलिंग सीख रहे हैं, या कुछ तो आप कर रहे हो गाइस, कुछ तो आप कर रहे हो, या मतलब मुझे यहाँ पर आपके खासकर रिश्ते में या फिर किसी भी सिचुएशन में जो चीज़ें सही नहीं चल रही हैं ना, वहाँ पर चीज़ें हील होती हुई, बैलेंस होती हुई मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। वाओ, वक्त आपके साथ है, कुदरत आपके साथ है, ये मंथ बहुत, मतलब मुझे आपके रिश्ते, आपकी प्रॉब्लम्स को लेकर के बहुत सही दिखाई दे रहा है, या बार 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 वाओ, देखो रिश्ते इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, मटीरियल लाइफ आपकी ये डेफिनेटली, चलिए देखते हैं। थैंक यू बाबा। जस्टिस, ओ सेवन ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्स, फोर ऑफ कप्स, मैजिशियन। ओ देखो, आप कुछ तो मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैनिफेस्टर हो आप बहुत बड़े, और आपके लिए यहाँ पर ना एक चेतावनी भी है, मैं वो आपको दूंगी यहाँ पर, जो मैं ऑलवेज मैजिशियन कार्ड के साथ देती हूँ, तो थोड़ा सा आपको अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है।
क्वीन ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ वॉन्ड्स, आउटसाइडर, सोरो, पॉलिटिक्स, कंप्लीशन, साइलेंस, कॉन्शियसनेस, ऑर्डिनरीनेस, लवर्स, फ्लावरिंग, अंत में लवर्स कार्ड आया है। एक कार्ड निकालना चाहती हूँ, एस ऑफ कप्स, एम्परर, चैरियट। माय डियर वर्गो, कन्या राशि, तो ये जो मंथ है ना, आप लोग अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े डिसीजन बनाते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो। आप बहुत स्ट्रिक्ट एनर्जीज में यहाँ पर नज़र हो, और मैं कहूँगी कि इस मंथ में ना, ये अगस्त मंथ में आप वो डिसीज़न बनाएंगे जो आपको सही लगता है, आपके अनुसार वो सही चीज़ें हैं। तो मुझे ऐसी ऊर्जा आप लोगों के लिए मिल रही है कि आप बहुत कुछ रिश्तों को कट कर सकते हो अपने जीवन में, कुछ ऐसी सिचुएशंस को या रिश्तों को। बेसिकली आप अपनी जीवन में ना एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आने वाले हो। आप अपने जीवन में बहुत बड़े डिसीज़न तो लोगे ही लोगे। आप ऐसी एनर्जीज, ऐसी ऊर्जाओं को डिटैच करोगे अपनी लाइफ से, अपनी लाइफ से रिमूव करोगे जो आपको सर्व ही नहीं करती हैं, जो आपके लिए बिल्कुल सही है वो कदम आप उठाने वाले हो। और अब आप यहाँ पर ये मंथ में किसी चीज़ की वेट नहीं कर रहे हो, किसी जिसे कहते हैं कि किसी चीज़ के होने का वेट नहीं कर रहे हो, किसी के बात का इंतज़ार नहीं कर रहे हो। बस आप अपनी तरफ से एक फ़र्स्ट स्टेप आप लेते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी ऊर्जा यहाँ पर मिल रही है कि अगर आप लोगों का, आप किसी काम के लिए अटके हुए थे, मतलब कोई लीगल इश्यूज़ आपके जीवन में चल रहे थे, उस काम को लेकर के आप अटके हुए थे, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो वो चीज़ें भी कुछ लोगों के लाइफ में सॉल्व होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। जैसे कि कोई डिसीज़न आ रहा है, ठीक है, या कोई डिसीज़न आ रहा है, मुझे ऐसी ऊर्जा यहाँ पर दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। अब ज़रूरी नहीं है कि वो आपके हक में ही हो, ठीक है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है तो सबके लिए अलग अलग होगी। लेकिन हाँ, आप थोड़ा रूड रहोगे, आप थोड़ा, जिसे कहते हैं ना कि जिसने जो किया जैसा किया उसको वैसा रिजल्ट, मतलब बहुत ही ना प्रैक्टिकल माइंडसेट में आप लोग रहने वाले हो ये मंथ में। बहुत ही प्रैक्टिकल, रूड, क्या क्या बोलूँ मैं वर्गोस, ऐसी ही ऊर्जा आप लोगों की यहाँ पर मिल रही है। बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही रूड, बिल्कुल भी इमोशनल डिसीज़न नहीं लोगे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल डिसीज़न आप बनाने वाले हो। आपको जो लग रहा है, जो मेरे लिए सही है, जो लोग मेरे लिए सही है, जो चीज़ें मेरे लिए सही है, जो भी सिचुएशन मेरे लिए सही है, उसके साथ आप आगे बढ़ोगे। बाकी चीज़ों को आप यहाँ पर रिलीज़ करोगे। आप मतलब अगर किसी चीज़ में, किसी सिचुएशन में आप अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे थे ना, अब आप उसके लिए स्टेप ले रहे हो, अब आप रुक नहीं रहे हो, ठीक है, अब आप रुक नहीं रहे हो। वो एनर्जीज में आप लोगों की यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। बहुत ही मतलब ऐसी ऊर्जा है कि
कुछ रिश्तों को आप कट कर रहे हो, क्योंकि ये फाइव ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा लिटरली ये वैसी ऊर्जा है कि जब आपको ज़रूरत पड़ी थी किसी की, मतलब जब आप मुश्किल में थे या मुश्किल में है, आपको जब ज़रूरत पड़ी तो आपको जिन जिन लोगों ने सपोर्ट नहीं करा, जिन्होंने आपका साथ नहीं दिया, ऐसे लोगों को रिलीज़ कर रहे हो आप अपने जीवन से, वो एनर्जीज़ में आप लोगों की पिक कर पा रही हो। और आपके माइंडसेट में डेफिनेटली आप बहुत दुख में भी हो, क्योंकि ये जो भी कनेक्शंस आप रिलीज़ कर रहे हो और जो भी चीज़ों को आप रिलीज़ कर रहे हो ना, उसका दुख भी कहीं ना कहीं है, क्योंकि आप बचते हुए आए थे उन चीज़ों से कि मुझे ये डिसीज़न ना लेना पड़े। लेकिन मन में क्या है आपके कि आप उन चीज़ों से बचो, आपको इतने बड़े बड़े डिसीज़न बनाने नहीं पड़े, लेकिन आपकी ऊर्जा क्या है कि अब तो करना ही पड़ेगा, अब तो मुझे करना है, अगर मुझे जीवन में आगे बढ़ना है तो ये चीज़, ये एक्शन, ये डिसीज़न मुझे लेने ही पड़ेंगे। वो ऊर्जा में आप लोग यहाँ पर रह रहे हो इस मंथ में, ठीक है। लेकिन यस, बहुत ओवर थिंकिंग भी है, बहुत ज़्यादा सोच विचार भी है, बहुत ज़्यादा दुख में भी डूबे हुए हो, क्योंकि चीज़ें जैसे कि ये जो भी डिसीजंस, ये जो भी आप एक्शंस ले रहे हो, डिसीजंस ले रहे हो, बड़े बड़े कदम आप उठा रहे हो, ज़रूरी नहीं है सारे कदम आपको खुश ही करें, ठीक है। कुछ चीज़ों में आप अपने आप को स्ट्रांग करके आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। वो एनर्जीज़ में आप लोगों की पिक कर पा रही हूँ, जिस वजह से कि आप दुखी भी हो, क्योंकि यहाँ पर अगर हम रिश्तों के हिसाब से देखें, बहुत ही रिलेशनशिप काइंड ऑफ एनर्जीज़ है, बट डोंट वरी, आगे करियर भी आ रहा है आपके लिए। तो ये वो एनर्जीज़ मुझे आप लोगों के लिए मिल रही है कि आप कहीं तो स्टक हो रिश्ते में खासकर, ठीक है। अभी कोई भी रिश्ता है आपका, जनरल एनर्जीज़ हैं, ये जनरल रीडिंग है, आप अपने अकॉर्डिंगली देखिए। तो आपके आसपास कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने मुखौटे पहन रखे हैं, जो दो मुँहे हैं, जो आपके सामने कुछ है, पीठ पीछे कुछ और है, पर इंट्यूटिवली आपको पता है कि कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है। तो आपको देखा जाए तो अंदर से एक पुश वो मिल रहा है कि मुझे ऐसी चीज़ों से, ऐसे लोगों से मुझे डिटैच होना है, मुझे इन सिचुएशन से बाहर आना है। पर मेंटली, मैंने बोला ना, मेंटली आप स्टक हो, लेकिन एनर्जी आपको पुश कर रही है। इस समय में डिवाइन आपके साथ है, कुदरत आपके साथ है, ठीक है। वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर, आप जो है, अगर अपनी इंट्यूशन को अगर आप फॉलो करते हो और एक स्ट्रिक्ट रवैया बनाते हो, तो डेफिनेटली आप ऐसे लोगों को जो है आप रिलीज़ करोगे। क्योंकि यहाँ पर देखिए, आपके हाथ बंधे हुए हैं, आपकी आँखें बंधी हुई हैं, इट मीन्स आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है कि आपकी इंट्यूशन आपको क्या गाइड कर रही है, किन लोगों के साथ आपको आगे बढ़ना है। ऐसे ही ऊर्जा के साथ आपको कंटिन्यू रहना है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके जो अच्छे रिश्ते हैं उनमें हीलिंग आएगी और नए रिश्ते आपके जीवन में ऐड होंगे। देखिए, मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ विद दिस सेवन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर भी सेवन ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है। कुछ लोग आपके आसपास ऐसे हैं, देखिए एक बात और यहाँ पर मैं बता दूँ वर्गोस, कि ये कुछ रिश्ते ऐसे भी हैं जो रिफ्लेक्ट करेंगे आपको इस महीने। जैसा आप उनके बारे में सोच रहे हो ना, वैसा वो आपके बारे में, कुछ कार्मिक रिश्ते आपके साथ जुड़े हुए हैं, वैसा ही वो आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक तरफे वो चीज़ें हैं, तो आपके माइंड में जो चीज़ें चल रही हैं, आपके अंदर उनके प्रति जो चीज़ें चल रही हैं, उनके अंदर भी वही चीज़ें हैं। तो ये रिफ्लेक्शन है, कुछ कार्मिक लोगों को आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, ठीक है। तो अब वक्त है उन लोगों को रिलीज़ करने का, उन लोगों से पीछा छुड़ाने का और अपने जीवन में नए सोल कनेक्शंस को बिल्ड करने का, ठीक है। ये एनर्जीज मैं आप लोगों के लिए पिक कर रही हूँ, और ये आपकी लव एरिया को लेकर के भी हो सकता है, ठीक है। कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ अनहेल्दी रिलेशनशिप हो सकता है, जिसको आपको बेसिकली रिलीज़ करने की ज़रूरत है, और कोई न्यू कनेक्शन आपके जीवन में यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। बेसिकली ये वो एनर्जीज़ हैं जो लोग, जो रिश्ते आपको सर्व करते हैं उनमें हीलिंग आएगी, और जो लोग जो रिश्ते आपको सर्व नहीं करते हैं, जो आपके साथ दो मुँहें हैं, आपके लिए पॉलिटिक्स करते हैं, आपके लिए बुरा सोचते हैं, आपके पीछे, आपके सामने अच्छे होते हैं, आपके पीछे बुरा सोचते हैं, ऐसे लोगों को आप रिलीज़ करोगे, ठीक है। लेकिन हाँ, अभी भी आप बंधा हुआ फील कर रहे हो, पर डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि स्ट्रांग बनो, आपको अपनी तरफ से कदम उठाना है, आपको अपनी तरफ से एक्शन लेना है। डिवाइन यहाँ पर आपकी तरफ जो है, देखो ये मंथ में ये नहीं कह रही कि सभी लोग वो एक्शन लेंगे, सभी लोग वो डिसीजन लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप मेंटली स्टक हो, मेंटली आप लोग स्टक हो, अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हो कि मैं क्या करूं। जैसे कि आपके आसपास जो लोग हैं, आप उनमें फंसे हुए हो, रिस्ट्रिक्टेड आप फील कर रहे हो, बंधा हुआ फील कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर डिवाइन आपकी तरफ जो है अच्छी चीज़ों को, अच्छे लोगों को आपकी तरफ भेज रहे हैं, अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ भेज रहे हैं, और आपको वो एक क्लिक कराया जा रहा है अंदर से, आपको आपकी अंतरात्मा कुछ कह रही है
बस आपको उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। डेफिनेटली ये करना बड़ा मुश्किल होगा कुछ लोगों के लिए, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहे हैं वो आपके साथ है, दिव्य आत्माएं आपके साथ है, दिव्य ऊर्जाएं आपके साथ हैं, ठीक है। तो इस वक्त ये एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न आपको बनाना है, आपको देखना है आपके आपके आसपास कौन है जो आपको सर्व नहीं करता है, जो आपसे झूठा है, जो आपके साथ चालें करता है, ठीक है। ऐसे लोगों को रिलीज़ कीजिए और नई ऊर्जा के लिए अपनी लाइफ में वेलकम कीजिए, नई ऊर्जा को वेलकम कीजिए, ठीक है, नए लोगों को वेलकम कीजिए। इससे क्या होगा, जब आप ऐसे दो मुँह लोगों को अपनी लाइफ से रिलीज़ करोगे तो आपके जो अच्छे रिश्ते हैं, ठीक है, जो आपके जो लव्ड वंस हैं उनमें रिश्ते और बेहतर होंगे, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। तो इस तरफ, क्योंकि अब वक्त है कंप्लीशन का, अब वक्त है एक एक बहुत बड़ा और एक रूड तो नहीं मैं बोलूँगी, मतलब या कह सकते हैं वर्गोस, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाने का, बहुत बड़ा एक डिसीज़न लेने का और उस तरफ अब आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। बहुत ये कहते हैं ना कि ये वो वाली एनर्जीज है कि बहुत सह लिया, बहुत देख लिया, अब एक्शन ओरिएंटेड हो जाओ, अभी तक जो सोच रहे हो उसको एक्शन में तब्दील कर दो, उसको इम्प्लीमेंट कर दो, अब रुको नहीं। क्योंकि आई नो ये चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट रहेंगी आपके लिए, क्योंकि जो अनहेल्दी पीपल्स आपके आसपास भी हैं, जिनको आप जानते हैं कि वो आपके लिए सही नहीं है, उनको उनसे दूर होना या उनको रिलीज़ करना भी बहुत डिफ़िकल्ट है आपके लिए। ये एक किस्म का एक साइकिल है जिसे आपको क्लोजर देना है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, और उसको लेकर के आपको यहाँ पर एक्शन लेना होगा। और ये एक्शन आप तभी ले पाएंगे जब आप अपने आप को बैलेंस करेंगे, जब आप मेंटली भी बैलेंस होंगे, ठीक है। मतलब आपका मन जब तक शांत नहीं होगा तब तक आप बैलेंस एक्शन, बैलेंस डिसीजन नहीं बनाएंगे। यहाँ पर एग्रेशन की ही ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मन को बैलेंस होने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, समझ रहे हैं आप लोग। मन में बैलेंस भी होना चाहिए, साइलेंस की ऊर्जा है आपको बोला जा रहा है, स्टार के साथ एक साइलेंस की ऊर्जा के साथ आपको कनेक्ट होना है, ठीक है, अपने अंदर कनेक्ट होना है, क्योंकि अंदर से ही आपको वो वॉइस आ रही है, वो आपको क्लैरिटी मिल रही है, वो आपको एक रास्ता दिखाया जा रहा है, आपको मैसेजेस दिए जा रहे हैं, वहाँ से वो मैसेजेस लीजिए और अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए और सही एक्शन लीजिए, क्योंकि इस समय आप बिल्कुल एक्यूरेट एनर्जीज में भी हो। आई नो माइंड आपका साथ नहीं दे रहा है, जिसे कहते हैं ना दिल और दिमाग में बड़ी कन्फ्लिक्शन रहेगी, यहाँ पर मतलब कन्फ्लिक्ट रहेगा, ठीक है, दिल और दिमाग, आपका दिल कुछ कहेगा, दिमाग कुछ कहेगा, लेकिन यहाँ पर आपको वो डिसीज़न लेना है बैलेंस होकर के। ये बात करता है जस्टिस का कार्ड बैलेंस डिसीज़न की, ठीक है। और अगर करियर की बात भी करें तो करियर में कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, यहाँ पर आप किसी चीज़ की तरफ, जैसे कोई आपका एक गोल है उसको अचीव करने के लिए आप बस उस पर फोकस्ड हो, उस पर चले जा रहे हो, उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, उस पर एक्शन ले रहे हो, और यहाँ कुछ ना कुछ कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस काम को आपने हाथ में लिया था ये मंथ, मुझे वो कंप्लीशन आपके लिए दिखाई दे रहा है, ठीक है। जो भी काम था ये आपका करियर को लेकर के, जिस तरफ भी आप आगे बढ़ रहे हो, जो भी आपका जिसको लेकर के भी आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, बहुत ही स्पीड के साथ, मतलब बहुत ही ऊर्जा है उसमें, आप उस तरफ बहुत स्पीड के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, एक्शंस ले रहे हो, डिसीजंस ले रहे हो, बहुत अपना 100% नहीं कहूँगी 1000% आप ले रहे हो, और वो कंप्लीट होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वो पूर्ण होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बस अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखिए और अपने आप को, अपनी ऊर्जा को ग्राउंड रखिए। देखिए मैं ऑलवेज कहती हूँ, जो भी चीज़ें आपको प्राप्त हो रही हैं ना वर्गोज, आपको अपने आप को बैलेंस रखना है, आपको धरती से जुड़े रहना है, हवा में उड़ोगे, लिटरली ये जो एनर्जीज है ना ये हवा में उड़ने की एनर्जीज है। तो ज़्यादा तेज भागो मत, ये एनर्जीज ये भी बोल रही है ज़्यादा तेज नहीं भागना है आपको, थोड़ा बैलेंस होकर के चलिए, ठीक है। किसी चीज़ के पीछे इतनी तेज़ मत भागो कि आप गिर जाओ, समझ रहे हो आप, इतनी स्पीड, इतनी जल्दी जल्दी डिसीजंस मत लो, अपनी लाइफ के अदर एस्पेक्ट्स को इग्नोर मत करो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है चीज़ों को बैलेंस करके चलो। आपके अंदर जो है ना बहुत एनर्जीज बहुत हाई हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन उसको बैलेंस करना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। आप मे भी आप करियर पर बहुत बहुत हद से ज़्यादा फोकस्ड हो इस समय, ओके, क्योंकि कुछ आप पाना चाह रहे हो, कुछ आप करना चाह रहे हो और उस तरफ आप आगे बढ़ रहे हो बहुत ही स्पीड के साथ, पर आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं थोड़ा सा अपनी एनर्जीज को ग्राउंड करो, थोड़ा अपने लिए भी वक्त निकालो, अपनों के लिए भी वक्त निकालो, ठीक है।
अपने अंदर ना थोड़ा सा बैलेंस लेकर आओ, थोड़ा सा ठहराव लेकर आओ, थोड़ा सा नेचर के साथ कनेक्ट हो, समय थोड़ा सा अपने लिए भी निकालने की यहाँ पर ज़रूरत है। क्योंकि ये ऊर्जा, आई रियली डोंट नो मुझे क्यों ऐसा मैसेज मिल रहा है कि ये ऊर्जा कहीं ना कहीं आपको बहुत रूड कर रही है, बहुत प्रैक्टिकल कर रही है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकल होना बुरा नहीं है, लेकिन सिर्फ प्रैक्टिकल होना भी बुरा है कि इमोशंस ऐसे गायब से हो रहे हैं आपके अंदर से। तो थोड़ा सा अपनी ऊर्जा को बैलेंस कीजिए, अपने मैस्कुलिन एनर्जीज़ और फेमिनिन एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए, और जितना आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे, जितना आप बैलेंस रहोगे ना, उतना ही आप अपनी लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाओगे। क्योंकि आपने बहुत ही नेगेटिव फेस को देखा है, आपने अपने जीवन में बहुत ही कठिनाइयों को देखा है, आपने बहुत चैलेंजेस ऑब्स्टिकल्स को फेस किया है, तो इस समय बस वक्त है बैलेंस्ड एक्शन लेने का, बैलेंस डिसीजन लेने का, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने का। डेफिनेटली अपने फर्ज, अपने कर्म को आप पूरा कर रहे हैं, पर अपने लिए भी वक्त निकालिए, अपने लिए भी समय निकालिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है थोड़ा। ठीक है, और क्योंकि मुझे यही एनर्जीज मिल रही है कि आपका पूरा फोकस जो है, मतलब सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पर बहुत ज़्यादा आ रहा है। आप रिश्तों पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हो, रिश्तों पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, जिस वजह से कि वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो अब वक्त है थोड़ा उस तरफ भी फोकस करने का। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ रिश्तों पर फोकस करो या करियर पर फोकस करो, मैं कह रही बैलेंस करो। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए वही एनर्जीज है कि बैलेंस करोगे तो सही रहोगे, अगर एक तरफ फोकस करोगे तो अटके रहोगे। ओके, तो ये वक्त है बैलेंस करने का। अगर अब आपकी बात की जाए आपके हेल्थ की, फिजिकल हेल्थ में कोई इशू नहीं मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन आपकी मेंटल हेल्थ है थोड़ी सी, मेंटल हेल्थ थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। मेंटल हेल्थ भी इसलिए इफेक्ट कर रही है, जैसे कि ये जो कार्ड है साइलेंस का कार्ड, ये स्टार का कार्ड है, और स्टार का कार्ड कहीं ना कहीं हीलिंग की बात करता है, कहीं ना कहीं बैलेंस की भी बात करता है। तो आपको बोला जा रहा है अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए, अपने प्रैक्टिकल और इमोशनल, अपने प्रैक्टिकल माइंडसेट को, ठीक है, और अपने इमोशंस को बैलेंस करके चलिए, दिल और दिमाग को बैलेंस कीजिए। अपनी लाइफ में जहाँ जहाँ आप आउट ऑफ बैलेंस हो ना, उनको बैलेंस करके चलो। अपनी बैलेंस एक वर्ड आप बना लो, मुझे डिवाइन बैलेंस आपके लिए एक वर्ड दे रहे हैं। आपके जीवन में ये देखना है इस महीने कहाँ कहाँ आपकी लाइफ में बैलेंस आउट है, वहाँ वहाँ अगर आप बैलेंस लाओगे तो चीज़ें स्मूदली चलेंगी। ओके, वहाँ चीज़ें रिकवर होंगी, जहाँ कुछ भी प्रॉब्लम चल रहे हैं वहाँ चीज़ें हील होनी स्टार्ट हो जाएंगी, बट उसके लिए आपका भी बैलेंस होना ज़रूरी है। ठीक है, अपने लिए वक्त निकालिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने लिए वक्त निकालना, ताकि आप अपने जीवन में बिल्कुल सही एक्शन, बिल्कुल सही डिसीजन ले पाएँ। ठीक है, क्योंकि आपका पहला कार्ड ही क्या आया था, बैलेंस एक्शन लेना। ठीक है, बैलेंस्ड एक्शन लेना, बैलेंस्ड डिसीजन लेना, किसी एक तरफ नहीं झुक रहे हो आप। यहाँ पर थोड़ा अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर मेंटल हेल्थ आपकी इफ़ेक्ट करेगी तो उससे आपकी फिजिकल हेल्थ पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है, हालांकि ये कार्ड्स अच्छा है, कोई मतलब इसमें नेगेटिविटी नहीं है, बट जहां मन अशांत है, क्योंकि ये कार्ड भी यहां पर आया है, तो मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि आप खास करके ड्रिंक करके ड्राइव नहीं करना है आपको। ठीक है, और जब आप बहुत ज़्यादा दिमाग से फिट नहीं हो तो प्लीज़ कोशिश कीजिए ड्राइव नहीं करें। ठीक है, क्योंकि मुझे कुछ एक्सीडेंट के चांसेस यहाँ पर 25% है, पर चांसेस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। थोड़ा हेल्थ को लेकर के कॉन्शियस हो जाइए, मेंटल हेल्थ सही नहीं होगी तो फिजिकल हेल्थ पर इफेक्ट पड़ेगा, अभी वो किसी भी एंगल से पड़ सकता है, राइट? और अपने फाइनेंसेस पर फोकस कीजिए, सेविंग पर ध्यान दीजिए। ठीक है, ओके, आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है। स्पिरिचुअलिटी की अगर बात की जाए, देखो यहाँ पर स्पिरिचुअल सपोर्ट है आपके लिए, लेकिन आपका माइंड जो है ना नेगेटिव है, आप नेगेटिवली चीज़ों को देख रहे हो, नेगेटिवली इन द सेंस कि देखो यहाँ पर भी आप सोरों की ऊर्जा में हो, समझ रहे हो, जैसे कि कुछ एक्शन, कुछ डिसीजन लेने से आप बच रहे हो, कुछ आपको दिखाया जा रहा है, कोई अच्छी चीज़ आपको डिवाइन यहाँ पर दिखा रहे हैं, पर आप उसको लेने से जो है ना बच रहे हो। और आपका फोकस कहाँ है कि मेरी ज़िंदगी में क्या चीज़ें मुझे प्राप्त नहीं हुई, क्या चीज़ें मेरे से दूर चली गई, मेरी ज़िंदगी में नेगेटिव क्या हो रहा है, खालीपन कहाँ है, आप उन चीज़ों पर फोकस ज़्यादा कर रहे हो। तो डिवाइन कह रहे हैं इस समय ना सिर्फ कमी नहीं करनी है, डिससेटिस्फेक्शन की भावना में आपको नहीं आना है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है,
हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ ना कुछ बड़ा एक जिसे कहते हैं नेगेटिव सिचुएशन होता ही होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है उस पर फोकस ना करके सिर्फ इस पर फोकस करें कि मेरे जीवन में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ कौन सी आ रही है। ग्रेटफुल की एनर्जीज में रहना, थैंकफुल की ऊर्जा में रहना, थैंक यू बोलना, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। और सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप जो है नेचर में टाइम स्पेंड करें। इस वक्त जो है ना आपके मूड स्विंग्स भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, कभी आप बहुत हाई ऊर्जा में रहोगे, कभी आप बहुत ज़्यादा लो ऊर्जा में रहोगे, क्योंकि आपके आसपास अभी चाहे वो आपके रिश्ते हैं, चाहे वो आपका करियर है, ठीक है, पॉलिटिक्स आपके आसपास चल रही है, जिसे कहते हैं चेस आपके साथ खेली जा रही है, षड्यंत्र आपके साथ रचे जा रहे हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें भी रहेंगी जिस वजह से भी आप डिसअपॉइंट हो रहे हो। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ऐसी ऊर्जाओं से बचने के लिए, ऐसी ऊर्जाओं से सतर्क रहने के लिए, अलर्ट रहने के लिए आपको अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट होना होगा। यहाँ पे आपका माइंड और आपके इमोशंस का बैलेंस होना बड़ा ज़रूरी है, आपके दिल और आपके दिमाग का बैलेंस होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि वो डिवाइन जो है आपको यहाँ पर वो क्लिक कर रहे हैं। ग्राउंडिंग आपके लिए यहाँ पर मस्ट है, मस्ट है, मस्ट है। स्पिरिचुअलिटी को लेकर के ग्राउंडिंग कीजिए इस महीने, ठीक है। जितना आप नेचर में टाइम स्पेंड करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है। नेचर में टाइम स्पेंड के लिए मैंने बोला ना आपको अपने लिए वक्त निकालना है। मेडिटेशन कर रहे हैं गार्डन एरिया में चले जाइए, जहाँ अगर आपके घर में प्लांट है, देखिए वो वैसे इनफ नहीं होता है, लेकिन मैं कहूँगी कुछ नहीं से तो कुछ तो बेहतर है, राइट। अगर आपके आसपास गार्डन एरिया नहीं है, आपके घर में ही प्लांट्स लगे हुए हैं इनडोर भी, तो प्लांट्स के साथ थोड़ा सा कनेक्ट हुए, फ्रेश फ्लावर्स अपने घर में लगाएं। तो कहने का मतलब नेचर के साथ कनेक्ट होना है आपको, आपके लिए ये बड़ा ज़रूरी है। नेचर के साथ कनेक्ट होंगे तो अपने आप के लिए भी आपको समय मिलेगा, अपने आप से आप कनेक्ट हो पाएंगे, और ये आपके लिए इस समय की ना रिक्वायरमेंट है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है इस समय की रिक्वायरमेंट है आपके लिए ये, क्योंकि कुछ आपको यहाँ पर मैसेज दिया जा रहा है किसी साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। अब वो आप मैसेज, वो गाइडेंस आप तभी रिसीव कर पाओगे, वो एक्शन डिसीजंस आप तभी अपने जीवन में ले पाओगे जब आप उन ऊर्जाओं से कनेक्ट होगे, जब आप सही आप मैसेजेस ले पाओगे। तो मेरे पास ये इनफ नहीं है, या मेरे पास ये कमी है, वो चला गया, ये चला गया, इन पर आपको फोकस नहीं करना है। ऐसा क्यों बोल रही हूँ, देखो मैजिशियन का कार्ड है और ये आपके लिए चैलेंज है। चैलेंज का मतलब समझते, इसके साथ ही साथ यहाँ पर ये ऑर्डिनरीनेस की भी एनर्जीज आई है। भी अपने माइंड पर काम करो इस समय वर्गोस, जो आप बोलोगे ना, जो आप सोचोगे वो मैनिफेस्ट होगा। और ये चैलेंज में आना समझते हो आप, कि आप अपने लिए चैलेंज क्रिएट कर लोगे नेगेटिव सोच सोच करके। तो इस रीडिंग को जिसे कहते हैं कि लाइटली, एक सेकंड गाइस, इस रीडिंग को आपको लाइटली नहीं लेना है, समझ रहे हैं आप, इस रीडिंग को आपको लाइटली नहीं लेना है। थोड़ा सा इसको समझदारी से आप लीजिए, सीरियस होकर के लीजिए, क्योंकि आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। अगर आप नेगेटिव सोचोगे वो चीज़ें मैनिफेस्ट होगी, इसलिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ग्राउंड कीजिए, नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, आपकी एनर्जीज लाइट होंगी, आपका मन शांत होगा, आपका माइंड बैलेंस होगा। इन्फिनिटी का साइन है भाई, जो सोचोगे वो मैनिफेस्ट कर लोगे। चैलेंज में आना बहुत मतलब पावर फिर इसमें है कि कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो आप, नेगेटिव भी, ओके। और यहाँ पर आपके लिए लवर्स का कार्ड है और क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ये महीने डेफिनेटली आपके लिए जो ओवरऑल गाइडेंस है, चॉइसेस हैं, चॉइसेस आपके हाथ में हैं। आपको क्या करना है, किस तरफ आगे बढ़ना है, क्या डिसीजन लेना है, वो आपके हाथ में है। उसकी तरफ आपको आपको डिवाइन यहाँ पर गाइड कर रहे हैं, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, आपको अंदर से क्लिक हो रहा है कि मुझे क्या एक्शन लेना है, क्या डिसीजन लेना है, उस तरफ आगे बढ़ो। और उस तरफ आप आगे कब बढ़ोगे, अगेन मैंने बोला ना ये मंथ आपके लिए बैलेंस वर्ड है, लिख लो बैलेंस। जहाँ भी इम्बैलेंस हो, जहाँ भी आउट ऑफ बैलेंस हो, वहाँ पर बैलेंस लाओ। जब तक बैलेंस नहीं होंगे एक्शन नहीं ले पाओगे। क्लैरिटी आपको मिल रही है, स्ट्रॉन्ग आपको बनना है, एक्शन आपको लेना है, ठीक है। डिवाइन आपको यहाँ पर गाइड कर रहे हैं, सपोर्ट है, सपोर्ट है आपके।
अभी वो फिजिकल फॉर्म में हो सकता है या फिर आपके स्पिरिचुअल फॉर्म में हो सकता है, लेकिन सपोर्ट है यहाँ पर आपके लिए। सिक्स नंबर का कार्ड भी बैलेंस की बात करता है, हारमोनी की बात करता है कि जहाँ आप बैलेंस हुए वहाँ आपकी लाइफ में हारमोनी क्रिएट हो जाएगी। ओके लेट्स सी, थैंक यू माँ, थैंक यू। और क्या आप मैसेज देना चाहते हैं वर्गोस को? एक्सपैंड योर होराइज़न, वास्ट विस्तार्स, ओके, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोचना है, कुछ करना है। कुछ चीज़ें आपको लिमिट कर रही हैं, कुछ चीज़ें आपको ना, मैंने यहाँ पर भी मैसेज दिया था कि आपकी क्रिएटिव साइड बहुत ओपन रहने वाली है इस वक्त में, आपके अंदर आइडियाज़ बहुत ज़्यादा होंगे। कुछ आपको ना इस महीने आपको पुश किया जा रहा है आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करने के लिए, कि कुछ अलग हट करके करो, तो उस तरफ आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है अपने आप को इस महीने लिमिट मत करो, ठीक है। अगेन बोलूँगी, ये सब आप पर निर्भर रहेगा, आप क्या कर रहे हो, क्या एक्शन ले रहे हो, क्या करना चाहते हो, वो आप पर डिपेंड रहेगा। ट्रांसफॉर्मेशन, भाई दूर का सोचो, अ फ्रेश न्यू वे ऑफ लिविंग इमर्ज। देखो आपको यहाँ पर ना दूर का सोचने की ज़रूरत है, एक दूर का सोच करके अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लाने की यहाँ पर ज़रूरत है, आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं। लेकिन मुझे यही लग रहा है ना कि एक्शन और डिसीजंस आपको लेने हैं, जब तक आप नहीं करोगे तब तक फिर वहीं के वहीं उसी साइकिल में आप अटके हुए हो। सपोर्ट आपको मिल रहा है लेकिन एक्शन आपको लेना है। ओ माय गॉड, अ ब्रेक थ्रू इज़ एट हैंड, ब्रेकिंग ट्रायल, यस, कुछ आपको बड़ा करने की ज़रूरत है, कोई बड़ा डिसीजन, कुछ तो ब्रेक करने की ज़रूरत है। कुछ एक चीज़ चली आ रही है उसको तोड़ करके आपको आगे बढ़ना है, कुछ एक ये वक्त ना बिग ब्रेक थ्रू का है गाइस, एक कुछ बड़ा मतलब डिसीजन एक्शन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दूर का सोचो, अभी का नहीं, अभी का नहीं सोचना है आपको, अभी क्या करना है, दूर का सोच करके आपको एक्शंस और डिसीजंस यहाँ पर लेने की ज़रूरत है। एक कार्ड यहाँ से लेते हैं आपके लिए वर्गोस, अगस्त मंथ के लिए डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं, ये कार्ड आता चाहता है क्या? विजुलाइज अबंडेंस इन ऑल फॉर्म, ओके, यस। आपको अपने माइंडसेट को जैसे कि बोला जा रहा है पॉजिटिव करो सबसे पहली बात तो, ठीक है, और विजुलाइज करो। यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड भी आया था, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अगर आप उनको यूज़ करो तो, अगर आप उनको सीरियसली समझो तो। यहाँ पर भी मैंने आपको बोला था ना कि आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, देखो अब वो नेगेटिवली भी हो सकता है, डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत आएंगी इस महीने, तो आपको उन जो ब्लॉकेजेस आपके आ रहे हैं, डिस्ट्रैक्शंस जो आपके आ रहे हैं ना, उनको रिमूव करके, उनको साइड में करके आपको अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है। रात को सोने से पहले विजुलाइज़ करो आप अपने जीवन में क्या चेंजेस चाहते हो, क्या अच्छी चीज़ें चाहते हो, जैसे ही मॉर्निंग में उठो विजुलाइज़ करो, ठीक है। ऐसा आपको एक मूवी आपको चलानी है, आइस क्लोज करना है, उस मूवी के हीरो या हीरोइन आप होगे और आप अपनी लाइफ को कैसा चाहते हो, क्या चीज़ चाहते हो, बारीकियाँ लाओ उसके अंदर, ठीक है। आप किसी पोजीशन पे जाना चाहते हो, ठीक है, तो उसमें बारीकियां लेकर के आओ कि आप क्या कर रहे हो, डेस्क पे बैठे हो, चेयर पे बैठे हो, आप साइंस कर रहे हो, कुछ भी, मतलब हर एक छोटी बड़ी चीज़ को आपने क्या पहन रखा है, हर एक छोटी बड़ी चीज़ को आपको विजुलाइज करना है, वो चीज़ आपकी मैनिफेस्ट होने में मदद करेगी। देखिए हालांकि ये आपके लिए चैलेंज का कार्ड आया है, लेकिन इसको पॉजिटिवली यूज़ करना आपके हाथ में है। ये कार्ड भी क्या कहता है कि पावर आपके पास है, अब आपको वो देखना है कि आप उस पावर को यूटिलाइज़ कैसे करते हो, उसको यूज़ कैसे करते हो, ठीक है। या तो उसको वेस्ट कर दोगे आप इस महीने, दो ही चीज़ें हैं, या फिर आप उसको पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हो, तो ये आपको देखना है। थैंक यू। और क्या आप कहना चाहते हैं इस मंथ के लिए? वाओ, अ न्यू डॉन, द वर्स्ट इज नाउ बिहाइंड यू एंड पॉजिटिव न्यू एक्सपीरियंस आर ऑन हॉरिजन। यस, यही पॉजिटिव रवैया आपको यहाँ पर अपनाने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है जो बुरा था वो जा चुका है, वो आपके पीछे है। अच्छी चीज़ों के बारे में सोचो, दूर के बारे में सोचो, अच्छी चीज़ों के बारे में सोचो और आगे बढ़ो, ठीक है। उन एक्सपीरियंस को लेने के लिए रेडी हो जाओ, पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव चीज़ों को नहीं सोचना है अब आपको, आउट ऑफ द बॉक्स अब आपको हट करके कुछ आपको यहाँ पर करने के लिए डिवाइन आपको बोल रहे हैं। और जो भी ये कुछ अलग हट करके आपको करना है ना, ये जो भी चीज़ है आप उसमें बहुत ही सेफ हो, आप बहुत ही प्रोटेक्टेड हो। डिवाइन यहाँ पर आपको एक बच्चे की तरह आपको ट्रीट कर रहे हैं, आप सेफ एंड प्रोटेक्टेड हो, ठीक है।
यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, दिव्य आत्माएं आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, आपके लव्ड वंस आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप और आपके लव्ड वंस भी यहाँ पर सेफ हैं। तो आपको नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। ये वक्त है अपने माइंड पर काम करने का। जो भी लिमिटेशंस हैं वो सब आपके अंदर है, आपके माइंड में है वर्गोस, उनको तोड़ करके आगे बढ़ने का। मैं कहूँगी ये मंथ आपको लिब्रा ये वक्त आपको वर्गोज आपको वो करना है जो आपको लगे कि ये मेरे लिए चैलेंज है, कर डालो उस काम को। क्योंकि चैरियट का कार्ड भी यहाँ पर यही बोलता है, चैरियट और एम्परर का कार्ड, कि पहली बात कोई चीज़ ईजिली नहीं मिलती है, उसके लिए बहुत मेहनत, बहुत स्ट्रगल, बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत ऐसे टाइम को आपको देखना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर विजय उसी इंसान को मिलती है जो इस युद्ध पर से जीत हासिल करता है, मतलब उसमें डट करके बेसिकली सामना करता है, जीत उसको उसी को मिलती है। बैलेंस कीजिए अपने आप को, यू आर वेरी प्रोटेक्टेड गाइस, यू आर वेरी प्रोटेक्टेड। यहाँ पर कोई शिव भक्त भी हैं, शिव जी जी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंजल्स हैं, गाइड्स हैं यहाँ पर आपके, वो आपको बहुत प्रोटेक्शन दे रहे हैं। बेसिकली आपको रास्ता दिखाया जा रहा है, बस आपको उस रास्ते पर चलना है। और डेफिनेटली मैं ये नहीं बोल रही हूँ ना कि वो रास्ता बहुत स्मूद है, रास्ता तो उबड़ खाबड़ है, लेकिन उस पर से चल करके जब आप जाओगे ना, आपको सक्सेस तभी मिलेगी। इसलिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अभी का नहीं सोचना है, दूर का सोचो, दूर का सोच करके आगे बढ़ो, आगे बहुत सक्सेस है, विक्ट्री है, ओके। तो यस माय डियर वर्गोस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो। मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइए कैसी लगी है ये आपको वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा, अपनों के साथ इस रीडिंग को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।